यहोशू अध्याय 19 यहोशू अध्याय 19 दूसरी चिट्ठी शमून के नाम पर अर्थात शिमोनियों के कुल के अनुसार उनके गोत्र के नाम पर निकली और उनका भाग यहूदियों के भाग के बीच में ठहरा। उनके भाग में ये नगर है अर्थात बेरशेबा, शेबा, मालाद, हसरशुआल, बाला, एसेम, एलतोलद, बतूल, होर्मा, सिकलग, बेतमरकाबोत, हसरशोसा, बेतलबाओत और शारुहेन, ये 13 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। फिर एन, रिमोन, एतेर और आशान, ये 4 नगर गांव समेत, और बालतबेर जो दक्षिण देश का रामा भी कहलाता है, वहां तक इन नगरों के चारों ओर के सब गांव भी उन्हें मिले। शिमोनियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। शिमोनिया का भाग तो यहूदियों के अंश में से दिया गया, क्योंकि यहूदियों का भाग उनके लिए बहुत था, इस कारण शिमोनियों का भाग उन्हीं के भाग के बीच ठहरा। तीसरी चिट्ठी जुबलूनियों के कुल के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनके भाग का सिवाना सारित तक पहुंचा और उनका सिवाना पश्चिम की ओर मरला को चढ़कर दब्वेत शेत को पहुंचा और योकनाम के सामने के नाले तक पहुंचा। फिर सारित से वह सूर्योदय की ओर मुड़कर किसलो ताबोर के सिवान तक पहुंचा और वहां से बढ़ते बढ़ते दाबरत में निकला और यापी की ओर जा निकला। वहां से वह पूरब की ओर आगे बढ़कर गथेपेर और इतकासिन को गया और उस रिमोन में निकला जो नया तक फैला हुआ है। वहां से वह सिवाना उसकी उत्तर की ओर से मुड़कर हन्नातोन पर पहुंचा और इप्थहेल्म की तराई में जा निकला। कत्तात, नहलाल, शिमरोन, इदला और बेतलहेम, ये 12 नगर उनके गांव समेत उसी का भाग ठहरे। जुबलूनियों का भाग उनके कुल के अनुसार यही ठहरा और उसमें अपने अपने गांव समेत यही नगर है। चौथी चिट्ठी इस्साकारियों के कुल के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनका सिवाना इज्रेल, कस्सुलोत, शुनेम, एपारेम, शिओन, अनाहरत, रब्बित, किशोत, एबेस, रेमेत, एनगन्नीम, एनहद्दा और बेतसेस तक पहुंचा। फिर वह सिवाना ताबोर शहसुमा और बेतशेमेश तक पहुंचा और उनका सिवाना यर्दन नदी पर जा निकला। इस प्रकार उनको 16 नगर अपने अपने गांव समेत मिले। कुलों के अनुसार इस्साकारियों को ये गोत्र का भाग नगरों और गांव समेत यही ठहरा। पांचवी चिट्ठी आशेरियों के गोत्र के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली। उनके सिवानों में हलकत, हली, बेतेन, अक्षाप, अल्लामेलेक, अमाद, मिशाल ये थे और वह पश्चिम की ओर कार्मेल तक और शिहोरलीबना तक पहुंचा। फिर वह सूर्यास्त की ओर मुड़कर बेत दागोन को गया और जबलून के भाग तक और इप्तहेल की तराई से उत्तर की ओर होकर बेतेमेक और नियल तक पहुंचा और उत्तर की ओर जाकर काबुल पर निकला और वह एबोन, रहोब, हम्मोन और काना से होकर बड़े सिदोन को पहुंचा। वहां से वह सिवाना मुड़कर रामा से होते हुए सोर नाम गढ़वाले नगर तक चला गया। फिर सिवाना होसा की ओर मुड़कर और अकजीब के पास के देश में होकर समुद्र पर निकला। उम्मा, अपेक और रहोब भी उनके भाग में ठहरे। इस प्रकार 22 नगर अपने अपने गांव समेत उनको मिले। कुलों के अनुसार
आशीरियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। छठवीं चिट्ठी नप्तालियों के कुल के अनुसार उनके नाम पर निकली और उसका सिवाना हेलेप से और साननीम के बाज वृक्ष से अदामी नेकेब और यबनेल से होकर और लक्कुम को जाकर यर्दन पर निकला। वहां से वह सिवाना पश्चिम की ओर मुड़कर अजनो ताबोर को गया और वहां से हुक्कोक को गया और दक्षिण और जुबलून के भाग तक और पश्चिम की ओर आशेर के भाग तक और सूर्यास्त की ओर यहूदा के भाग के पास की यर्दन नदी पर पहुंचा और उनके गढ़वाले नगर ये है अर्थात सिद्दीम, सेर, हम्मत, रक्कत, किनेरेत, अदामा, रामा, हासोर, केदेश, एद्रेई, एन्हासेर, इरोन, मिगदलेल, होरेम, बेतनाथ और बेतशेमेश। ये 19 नगर गांव समेत उनको मिले। कुलों के अनुसार नप्तालियों के गोत्र का भाग नगरों और उनके गांव समेत यही ठहरा। सातवीं चिट्ठी कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र के नाम पर निकली और उनके गांव के भाग के सिवान में सोरा, इश्ताओएल, इर्शेमेश, शालबीन, अयालोन, इतला, एलोन, तिमना, एक्रोन, एलतके, गिब्बतोन, बालात, यहूद, बनेबरक, गत्रिमोम, मेयरकोर्न और रक्कोन ठहरे और यापो के सामने का सिवाना भी उनका था और दानियों का भाग इससे अधिक हो गया अर्थात दानी लेशेम पर चढ़कर उसे लड़े और उसे लेकर तलवार से मार डाला और उसको अपने अधिकार में करके उसे उसमें बस गए और अपने मूल पुरुष के नाम पर लेशेम का नाम दान रखा। कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। जब देश का बाटा जाना सिवानों के अनुसार निपट गया तब इसराइलियों ने नून के पुत्र यहोशू को भी अपने बीच में एक भाग दिया। यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका मांगा हुआ नगर दिया। यह एप्रेम के पहाड़ी देश में का विम्नस्तेह है और वह उस नगर को बसाकर उसमें रहने लगा। जो जो भाग अलीआजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इसराइलियों के गोत्रों के घरानों के पुरुषों के मुख्य मुख्य पुरुषों ने शिलो में मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने चिट्ठी डाल डाल के बांट दिए वह यही है। निदान उन्होंने देश विभाजन का काम निपट दिया।